तो आज मैं ये i12 ईयरबड्स है इसका मैं एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो चुका है और ये एक दो दिन पहले की बात है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आया था कि इसमें जो है ब्लू लाइट नहीं जलता है, इसका क्या सॉल्यूशन है और ये क्यों होता है सारा कुछ मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इसमें। और इसमें जब ईयरबड्स या इसमें डाल देते हो तो इसमें रेड लाइट नहीं जलता है और यहाँ पे ब्लू लाइट भी नहीं जलता है, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम था कि जब मैं ईयरबड्स को इसमें डालता था तो यहाँ पे ये रेड लाइट जलना स्टार्ट नहीं होता था और ब्लू लाइट भी नहीं जलता था, तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। ऐसे में जो है मेरे को लगा कि ये ईयरबड्स बिल्कुल खराब हो चुका है। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि इस पे कि ब्लू लाइट नहीं जलता है ईयरबड्स को डालने में और यहाँ पे ईयरबड्स जो है चार्ज होता ही रहता है, ब्लिंक होना जो यहाँ पे जब रेड लाइट ब्लिंक होने लगता है जैसे आप जो है इस चार्जर से जैसे इसको कनेक्ट करते हो, यहाँ पे मैं इसको ऑन करके और इसके बाद यहाँ पे लगा के मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो रेड लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जब ये रेड लाइट ब्लिंक होते रहता है तो यहाँ पे ये ब्लिंक ही होते रहता है, जैसे कि एक घंटा से ऊपर हो गया, दो घंटे होने वाले हैं फिर भी ये ब्लिंक होता रहता है, तो इसका क्या सोल्यूशन है वो भी मैं बताऊंगा। और ये जो आपका प्रॉब्लम था कि ब्लू लाइट नहीं जलता है उसका भी प्रॉब्लम बताऊंगा। उससे पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं जब ये नहीं जल रहा था ब्लू लाइट उसके बाद इसके साथ मैं क्या करने वाला था वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ पे डेंट वगैरह लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो मैं इसको खोलने वाला था, खोल के इसको देखने वाला था कि यहाँ पे इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है और ये क्यों ऐसा आ रहा है, तो उस पर मैं वीडियो बनाता अलग से। यहाँ पे जो है स्क्रू ड्राइवर वगैरह इसमें डाला था तो इससे ये होल बन गया था, लेकिन मैं इसको छोड़ दिया था वैसे ही और मैं सोचा कि इसको चार्ज में लगा के देखता हूँ जितना चार्ज होना होगा हो जाएगा। तो इसको मैं रेगुलर जो है यहाँ पे ये प्रॉब्लम मेरे साथ आया था तो इसको जो है रेगुलर मैं दो घंटे तक कंटिन्यू चार्ज किया था इसको और चार्ज करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और अचानक से ये ब्लू लाइट जलना स्टार्ट हो गया। जैसे कि मैं दो से यहाँ पे दो घंटे 15 मिनट इसको मैं चार्ज किया अच्छे से और उसके बाद जो है जैसे कि ये वाला जो ईयरबड्स अभी मैं निकाल के जैसे रखता हूँ तो यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक को यहाँ पे देख सकते हो ये जलना स्टार्ट हो गया, चार्ज होना स्टार्ट हुआ। पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि इस केस का जो है बैटरी पूरा ही डेड हो गया था, चार्ज करने में दिक्कत हो रहा था। तो इसको जो है आप सिंपली अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है लगभग दो घंटा या फिर 2.5 घंटे तक इसको फुल चार्ज होने दो अच्छे से, ताकि आपको पता लग जाए कि केस और ईयरबड दोनों अगर फुल चार्ज हो जाएंगे तो ब्लू लाइट भी अचानक से जलना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरे साथ हो चुका है और यहाँ पे नहीं जलता था ब्लू लाइट, लेकिन इसको जैसे ही 2 घंटे से ऊपर चार्ज किया मैं इसको तो यहाँ पे ये जलना स्टार्ट हो गया क्योंकि ये पूरा डेड हो चुका था यहाँ पे इसका केस का बैटरी, जिससे कि ये नहीं जल पा रहा था। तो ऐसे में जो है आप इसको इतना देर चार्ज कर सकते हो। अगर आपका ईयरबड्स जैसे कि इसको कनेक्ट कर देते हो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का, आप जैसे इसको कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक होने लगता है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि ये ब्लिंक ही हो रहा है 2-3 घंटे तक, तो आपको 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे आराम से इसको लगा के छोड़ सकते हो। पूरा अगर डेड होगा बैटरी आपका तो ये ब्लिंक होता रहेगा, अदरवाइज ये रेड लाइट जो है ब्लिंक होना बंद होकर डायरेक्ट जलना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरह की वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहे।